मान रहीम इस पिक्चर में अंदर हमने बात करनी है अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ योर आर बेसिकली द प्राइम मोडी ऑफ द परमानेंट किडनीज जिन्होंने फिफ्थ वीक में डेवलपमेंट स्टार्ट करनी है ठीक है जी फिफ्थ वीक में इसकी डेवलपमेंट स्टार्ट होनी है ठीक है एंड द बिकम फंक्शनल अप्रॉक्सिमेटली फोर फोर वीक्स लेटर ठीक है इसमें यूरिन फॉर्मेशन जो है वो कंटिन्यू करती है थ्रू आउट वीटल लाइफ एंड द यूरिन इज सिक्स क्रिएटेड इन टॉटिक्लूड एंड दैट फॉर्म्स अ कॉम्पोनट ऑफ द एमियोटिक फूयड यानी यूरिन इज बेसिकली एन इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ योर एमिओटिक फिलूड ठीक है अब बेसिकली आपके इसके अंदर होते हैं दो सोर्सेज ठीक है जी उन सोर्सेज की हम बात करते हैं एक सोर्स आपका है मेटानेफ्रोज में दैट इज़ द यूरेटेरिक बर्ड एंड द सेकेंड इंपॉर्टेंट सोर्स इज एक्चुअली द मेटानेफ्रिक्ला मेटानेफ्रो द मेटानेफ्रिक्ला ब्लाटीमा ठीक है ना इसको मेटानेफ्रोजेनिक ब्लास्टीमा भी कहते हैं या मेटानेफ्रिक मास ऑफ मीजन काइम भी कहते हैं ठीक है अब हम बात करते हैं सबसे पहले अबाउट दिस पार्ट विच इज द फर्स्ट एरीवेटिव ठीक है तो ये जो मैं आपकी बना रही हूँ दिस इज बेसिकली अ मेटानेफ्रोजेनिक ठीक है और ये जो मेटानेफ्रोजेनिक met डक्ट uh, है ठीक है ये किसके अंदर ओपन हो रही है यू कैन सी दैट इट इज एक्चुअली ओपनिंग इन टू द क्लॉय इसका थोड़ा सा बड़ा करते हैं छोटा क्लिख रहा है अच्छा अब वो क्या कहते हैं कि द यूरीटेरिक बार्ट इज़ अ डायवर्टिकलम और द आउट ग्रोथ ऑफ द मीज़ोनेफ्रिक डाक्ट ठीक है नेयर इट्स एंट्रेंस इंटू द क्लॉका यानी कि ये जो आपका मीजोनेफ्रिक डाक्ट है जहाँ पर इसकी एंट्रेंस होती है इंटू द क्लॉका ठीक है उसके बिल्कुल पास ही हमारे पास ये यूरेटेरिक बार्ट एक डायवर्टिकलम डेवलप होता है ठीक है और ये जो तो पिंक के अंदर इन्होंने शो किया ये क्या है दैट इज द मेटानेफ्रोजेनिक ब्लास्टीमा ये मेटानेफ्रोजेनिक ब्लास्टीमा कहाँ से डेवलप होगा दैट विल बी डिराइव्ड फ्रॉम द कॉर्डल पार्ट ऑफ द नेफ्रोजेनिक कॉर्ड दिस ऑफन कम्स इन एमसीक्यूज़ के की भाई मेटा ब्लास्टीमा जो है वो कहाँ से डिवेलप होता है तो इट डेवेलप फ्रॉम द कॉर्डल पार्ट ऑफ द कॉर्ड ठीक हो गया अच्छा Uh, अब क्या होता है कि जैसे जैसे आपका यूरिटेरिक बार्ट इलोंगेट करता जाता है वो आपके इस मेटानेफ्रोजेनिक ब्लास्टीमा को पेनीट्रिएट करता जाता है ठीक है अब इनके एडल्ट डेरिवेटिव भी साथ साथ थोड़ा देखते जाते हैं जो आपका यूरिटेरिक बार्ट है उसने फॉर्मेशन करनी है आपके यूरेटर की दैट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ योर यूरेटर एंड द क्रीनियल पार्ट ऑफ द बार्ट ठीक है ना दिस क्रीनियल पार्ट ऑफ द बॉडी यानी यूरिटेरिक बार्ट ठीक है ना ये अंडर को करेगा रेपिटेटिव ब्रांचिंग ठीक है ना रिजल्टिंग इन द बार्ट डिफ्रेंशिएटिंग इन टू द कलेक्टिंग ट्रिब्यूल्स ठीक है कलेक्टिव ट्रिब्यूल्स में जो है आपके जो पहली पहले चार जनरेशन होती है ट्रिब्यूल्स की वो इन लार्ज होकर कॉन्फ्लुंट होकर ये हमारे पास बना देती हैं मेजर कैलिस ठीक है ये जो इसने यहाँ पे दिखाया हुआ है और फिर उसका द एंड द सेकेंड फोर दे कॉलेज टू फॉर्म द माइनर कैलिसिस ठीक है सो यू कैन सी द मेजर कैलिसिस एंड द माइनर कैलिसिस सबसे पहले मेजर कैलिसिस बने ठीक है ना देखो आपका जो यूरोटेरिक पार्ट है उसका पहला पार्ट जो स्टॉक है दैट विल बी फॉर्मिंग द यूरेटोर फिर उसके बाद कलेक्टिंग टिब्यूल्स में पहले आपका पहली चार जेनेशन विल बी फॉर्मिंग द मेजर कैलिसिस एंड द नेक्स्ट फोर जनरेशन विल बी फॉर्मिंग द माइनर कैलिसिस मेक सेंस अच्छा फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट क्या है कि यह आपकी जो मेजर कैलेसेज हैं और माइनर कैलेिज है यहाँ से थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट स्टार्ट होता है इसलिए आपने ज़्यादा फोकस करना है ठीक है जो आपकी माइनर कैलेज है ना ठीक है यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कुछ स्ट्रेट ट्रिब्यूल्स होती हैं और कुछ हमारे पास आर्ट ट्रिब्यूल्स होती हैं ठीक है थीके? अब हमने देखना है कि इन आर्ट ट्रिब्यूल्स का क्या सीन होता है तो वो कहता है कि द एंड ऑफ ईच आर्च कनेक्टिंग टिब्यूल इंड्यूसज क्लस्टर्स ऑफ मीजन टाइमल सेल्स इन द मेटा नेफ्रोजेनिक प्लास्टीमा टू फॉर मेटानैफ्रिक वेजिकल्स यानी कि अगर सपोज मैं कर मैं ये कहती हूँ कि ये जो आपका है दिस इज़ एक्चुअली योर आर्च कनेक्टिंग टिब्यूल ठीक है मैं अगर कह दूँ कि दिस इज़ एन आर्ज कलेक्टिंग टिब्यूल ये आर्ज कलेक्टिंग टिब्यूल क्या इंड्यूस करेगा दैट विल इंड्यूस योर मीजन मीजन कायमल कैप ठीक है ना या मीजन कायमल सेल्स इन द मेटा नेफ्रोजेनिक ब्लास्टिमा कि भाई आप मेटानेफ्रोजेनिक वेजिकल्स बना दें जैसे कि इसने यहाँ पर बना दी इसकी बात सुनकर ठीक है यहाँ पे रीनल वेजिकल्स लिखे हुए हैं लेकिन इनको बुक में इन्होंने लिखा है कि इन आ, छोटे छोटे के मेटानेफ्रिक वेजिकल्स बना देते हैं और फिर ये वेजिकल्स आपके इलॉन्गेट करके क्या बना देते हैं ये आपके कोमा शेप्ड आपकी क्या बना देते हैं मेटानेफ्रिक टिब्यूल्स ठीक है बहुत ही सिंपल था कि आपकी आर्च कलेक्टिंग टिब्यूल ने इंड्यूस किया आपके इस पिंक वाले पोर्शन को विच इज योर मीजन कामल सेल्स ठीक है विच आर मीजन कामल सेल्स ऑफ द मेटानेफ्रोजेनिक प्लास्टिमा उनको कहा कि भाई आप रीनल वेजिकल या यूरो मेटानेफ्रिक वेजिकल्स बना दो और मेटानैफ्रिक वेजिकल्स बाद में डिफ्रेंशिएट होकर इन्होंने कॉमा शेप क्या बना दी है मेटानैफ्रिक टिब्यूल्स बना दिए ठीक है अच्छा यहाँ तक हमने सारी की सारी स्टोरी किसकी पढ़ी हम लोगों ने सारी की सारी स्टोरी पढ़ ली हमने यूरेटेरिक बाट की कि यूरेटेरिक बाट ने किस तरीके से यूरेटर बनाने कलेक्टिंग टिब्यूल्स uh, में मेजर कैलिसिस माइनर कैलिसिस स्ट्रेट टिब्यूल्स आर्च टिब्यूल्स और आर्च टिब्यूल्स ने किस तरीके से रीनल वेजिकल की फॉर्मेशन करनी है रीनल वेजिकल ने आपके क्या बना देनी दे है मेटानेफ्रिक टिब्यूल्स बना देनी है ठीक है अब मैं ज़रा करती हूँ थोड़ा सा इरेज क्योंकि हमने अगला पार्ट पढ़ना स्टार्ट करना है एक बात हमेशा याद रखनी है कि जो मेटानेफ्रोजेनिक प्लास्टिम है वो कहाँ से डेवलप हुआ है वो डेवलप हुआ है कहाँ से जी आपके कॉर्डल पार्ट ऑफ द नेफ्रोजेनिक कॉर्ड से ठीक है थीके? ये बच्चे भूल जाते हैं मैं भूल जाती हूँ अभी अच्छा इंपॉर्टेंट uh, बात हम बात करने लगे हैं एज द ब्रांचिंग अकर्स मोस्ट ऑफ द मेटानेफ्रिक मीजन काइम ठीक है सेल्स दे कॉन्टेंट्स एंड फॉर्म कैप मीजन कामल सेल्स यानी कि आपका जो मेटानेफ्रिक ब्लास्टिमा है उसने क्या बना दिया एक कैप मीजन कायमल सेल्स बना दिए ठीक है कि पिक्चर में पहले ही हम देख चुके हैं कि जैसे ही आपकी ब्रांचिंग अगर होती है यूरेटेरिक बाट की ठीक है आपका जो मेटानेफ्रिक नेफ्रिक मीजन काइम है वो कॉन्टेंस होकर कैप मीजन कामल सेल्स बना देते हैं यानी कि बिल्कुल एक कैप की शक्ल में होते हैं ये आपके मीजन कायमल सेल्स ठीक है दीज आर कॉल्ड इज द कैप मीजन काइमल सेल्स ये कैप मीजन कायमल सेल्स एपीथीलियम टू मीजन काइमल टू एपीथीलियल अंडर को करते हैं यानी कि पहले तो इट्स जस्ट मीजन ना इस मीजन कायम ने डिफ्रेंशिएट होना है इन टू एपीथीलियम ठीक है और इसने फिर क्या बनाना है इसनेट बनाना है आपका नेफरॉन और नेफ्रॉन की एपीथीलियम ठीक <coughs> है यानी कि बेसिकली आप आ, ये जो सारा याद रखिएगा ठीक है कि ये जो आपका ब्राउन ब्राउन पार्ट है दिस इज़ एक्चुअली दीज दे आर एक्चुअली द डेरीवेटिवस हालांकि पहले तो पिंक कलर यूज़ किया था लेकिन अब वो रीनल वेजिकल से आगे जो जो बन रहा है ना उसको वो ब्राउन से रिप्रेजेंट कर रहे और जो यूरोटेरिक बर्ड से डोर को बना था वो ब्लू से है ठीक है तो वो कहता है कि जो प्रॉक्सिमल एंड्स हैं टिब्यूल्स के ठीक है ना दे आर एक्चुअली इन्वेजिनेटेड बाय योर ग्लोमेरे ठीक है ये सारा किससे बन रहा है फ्रॉम योर मीजन काइमल कैप आफ्टर इट हैज़ अंडर गोन अपिथीलियल टू मीजन कायमल ट्रांसफॉर्मेशन ठीक है तो पहला पार्ट जो है दैट इज़ इन्वेजनेटेड बाय द गोमेराय फिर उसके बाद आपकी फॉर्मेशन हुई आपके प्रॉक्सिमल कॉन्विलेटेड टिब्यूल की लूप ऑफ फैनले की आपके डिस्टल कॉन्विटेड टिब्यूल की ठीक है ये सारा का सारा पार्ट आपके किससे बन गया फ्रॉम योर कैप मीजन कामल सेल्स आफ्टर द अंडर गो एपीथीलियल टू मीजन कामल ट्रांस मीजन कामल टू एपिथेलियल ट्रांसफॉर्मेशन ठीक है और ग्लोमेरुलस uh, uh, के गिर ग्लोमेरुलस कैप्सूल भी बन गया यानी कि के, के पूरे के पूरे नेफ्रॉन की फॉर्मेशन हो गई अच्छा इसके बाद वो कहता है कि जो आपका डिस्टल कॉन्विलेटेड ट्रिब्यूल है दैट दैटेंट कॉन्टैक्ट दिस आर्ट कलेक्टिंग ट्रिब्यूल बल्कि इसको मैं दूसरे कलर से शो करती हूँ ये कॉन्टैक्ट करता है आपके इस यूरिटेरिक बट के डेरिवेट विच इज बेसिकली एन आर्ज कलेक्टिंग ट्रिब्यूल इसको कॉन्टैक्ट करता है और फिर क्या होता है कि ये दोनों आपस में कॉन्फ्लुएंट हो जाते हैं ठीक <coughs> है तो नेफ्रॉन प्लस द कलेक्टिंग दैट मेक्स अप अपेस यूरी, ट्रिब्यूल यूरिफेरिस्ट ट्रिब्यूल बन गया ठीक है अच्छा अब आगे इसने थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी है ग्लूमेरेलाय और किडनी के बारे में वो कहता है कि बिटवीन द टेंथ हमने बात स्टोरी कहाँ से स्टार्ट की थी फिफ्थ वीक में ठीक है वो कहते हैं कि टेंथ और एटीनथ वीक में सीन ये होता है <coughs> कि टेंथ और एटीन वीक में आपके ग्लोमेरा जो है वो इंक्रीज करते हैं ग्रेजुअली एंड देन इंक्रीज इंक्रीजेस रैपिडली अंटिल द थर्टी सिक्स वीक यानी कि टेंथ टू एटीन वीक और थर्टी सिक्स वीक तक ये दे रीच देयर मैक्सिमम नंबर ठीक है अवेयर एंड अपर लिमिट इज रीच्ड नेफरॉन फॉर्मेशन आपकी कंप्लीट कब होती है अच्छा ये तो आपके ग्रुमेरालाई की फॉर्मेशन जो है वो थर्टी सिक्स वीक पर मैक्सिमम uh, हो जाती है लेकिन नेफरॉन की फॉर्मेशन कब कंप्लीट होनी है? आपके पूरे के पूरे नेफरॉन की ठीक है तो वो कंप्लीट होनी है आपके बर्थ के टाइम ठीक है यानी फोर्टी वीक हो गया या थर्टी एथ वीक हो गया ठीक है विद ईच किडनी कॉन्टेनिंग अबाउट टू मिलियन नेफ्रॉन्स टू लाख एंड टू मिलियन नेफ्रॉन्स ठीक है और नेफ्रॉन्स जो है दे मस्ट लास्ट फॉर एवर बिकॉज नो न्यू नेफ्रॉन्स आर फॉर्म्ड आफ्टर दिस टाइप जो बर्थ में बने थे बन गए इन्होंने कहा है कि एक तरह की एक खास किस्म की पॉपुलेशन है अब औरल ऑस्ट्रेलियंस की जिनमें लोअर नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं पैदाइश से ही तो इनमें क्या होता है कि बड़े होकर दर इज एन इंसीडेंट ऑफ क्रॉनिक रीनल फेलियर अच्छा अब ये वाली आप डायग्राम देख रहे हो इसमें आपको नजर आ रहा है कि ये आपका है सुप्राइनल क्लांट ठीक है और ये आपके पास है किडनी जिसके काफी ज्यादा लॉब्यूल्स हैं तो वो कहते हैं कि द तो फीटल किडनीज आर सब डिवाइडेड इनटू लॉब्यूल्स एंड दिस लॉब्यूलेशन इट डिस एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर ऑफ इन्फेंसी एज द नेफ्रॉन्स इंक्रीज एंड ग्रो ठीक है वो कहता है कि द इंक्रीज़ अच्छा ये आपकी लॉबिशन कम्प्लीट खत्म क्यों होती है बिकॉज ऑफ द इंक्रीज़ इन द किडनी साइज़ आफ्टर बर्थ इट रिजल्ट मेनली फ्राम द इलॉन्गेशन ऑफ़ द प्रॉक्सिमल कॉन्विलेटेड टिब्यूल्स यानी कि जैसे जैसे आपकी इलॉन्गेशन होती है आपके प्रॉक्सिमल कॉन्विलेटेड टिब्यूल्स की और आपके इंटस्टाइशल टिश्यू की ठीक है ना ये आपकी लॉब्यशन खत्म हो जाती है तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट एम सी क्यू भी आ सकते हैं एम सी क्यू में कि द इंक्रीज़ इन किडनी साइज़ आफ्टर बर्थ रिजल्ट फ्राम इलॉन्गेशन इन द बी सी टी ठीक है एंड द इटस्टाइशल टिश्यू नेफ्रॉन फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगी बर्थ पे वो बात मैंने आपको पहले ही बता दी अच्छा आगे इंपॉर्टेंट बात इन्होंने की है रिलेटेड टू द जी एफ आर ठीक है हमने ये बात पहले ही कर दी थी कि आपका जी एफ आर जो है ठीक है वो बनना शुरू हो जाएगा जल्दी यानी कि फीटल पीरियड में भी बना बनेगा एंड दैट विल मेकअप सम पार्ट ऑफ योर एमिनियॉटिक फ्लूड तो निफ, uh, वो क्या कहता है कि ग्लूमेरिलो फिल्ट्रेशन दैट बिगिनस अप्रॉक्सीमेटली बिगिनस अप्रोक्सीमेटली द नाइन्थ फीटल वीक ठीक है यानी कि नाइन्थ वीटल वीक में आपकी जी एफ आर की फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगी लेकिन ऑब्वियसली मेच्यूरेशन और इंक्रीज रेट्स ऑफ फिल्ट्रेशन ये आपके बर्थ के बाद भी कंटिन्यू होते रहेंगे ठीक है अच्छा यहाँ पर आखिरी ये जो बात रह गई है दैट इज़ द रेसिप्रोकल इंडक्शन वो कहते हैं कि जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया कि आपके आर्च कलेक्टिंग ट्रिब्यूल्स आपके मीजन काइमल कैप के आपको कहते हैं कि भाई तुम आ, रीनल वेजिकल्स बनाओ तो यही वो बता रहा है कि ये आपके यूरेटेरिक बार्ट और मेटानफ्रोजेनिक ब्लास्टीमा एक दूसरे को इंड्यूस करते हैं ठीक है ये अपनी एक दूसरे के डिवेलपमेंट को इंड्यूस करते हैं बुक में ये लिखा हुआ है द ब्रांचिंग ऑफ द यूरेटेरिक पार्ट इज डिपेंडेंट ऑन द इंडक्शन बाय द मेटानेफरिक मीजन कायम एंड द डिफ्रेंसिएशन ऑफ द नेफ्रॉन्स डिपेंड्स ऑन इंडक्शन यानी नेफ्रॉन की डिवेलपमेंट जो कि मीजन काइमल कैप से होनी है मेटानेफ्रोजेनिक ब्लास्टीमा से होनी है वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है ऑन इंडक्शन बाय द कलेक्टिंग टिब्यूल्स सो द यूरेटेरिक पार्ट एंड द मेटा नेफ्रोजेनिक ब्लास्टीमा इंटरैक्ट एंड इंड्यूस ईच अदर एंड दिस प्रोसेस इज एक्चुअली कॉल्ड एज रेसिप्रोकल इंडक्शन टू फॉर्म द परमानेंट किडनीज ठीक हो गया